हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ मांगा वीकली के एक और न्यू एपिसोड में। और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1026, जिसका नाम है टेनोजेन द टर्निंग पॉइंट। सो गाइस, आई नो ये वाली मांगा रिव्यू वीडियो थोड़ी लेट है, आई मीन इट वाज सपोज्ड टू बी अप ऑन मंडे बट लेट हो गया, और इसका रीजन आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। मैंने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी बताया था, अगर आपको पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ लो, मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करूंगा। सो गाइस, अब बिना और टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सो बिफोर स्टार्टिंग द रिव्यू, मेरे पास एक फैक्ट है जिससे आप बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे। इंटरेस्ट में ये दिखाता है कि ओडा सेंसेई कितना फोर शैडोइंग करते हैं और वो कितने दूर की सोचते हैं व्हाइल राइटिंग द वन पीस स्टोरी। सो करंटली आपने मोमोनोसुके का ड्रैगन फॉर्म लाइक चैप्टर नंबर 1022 में समथिंग देखा था, मुझे याद नहीं है, पर क्या आपको पता है कि मोमोनोसुके को ऑफिशियली टीज कर दिया गया था इन चैप्टर नंबर 35। चैप्टर नंबर 35 के कवर पेज में आप देख सकते हो एक पिंक कलर का ड्रैगन वहां पे है, एंड अगर ये मोमोनोसुके नहीं है तो कौन हो सकता है, सच बताओ। ये चीज अराउंड 20 साल पहले की बात है, तो यहीं से आप सोचो कि अगर आपको अभी भी लगता है कि मोमोनोसुके का ड्रैगन थोड़ा फोर्स्ड है मतलब स्टोरी में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओडा ने ये शुरू से सोच के रखा था। या सो लॉन्ग, लेट्स गेट ऑन विद द रिव्यू। सो टॉकिंग अबाउट द कवर पेज, ये कवर पेज काफी नॉर्मल सा लगा मुझे, जहां पे नामी और लियो जो कि टोनटाटा किंगडम से बिलोंग करता है, ये लोग एक मिंग के लिए एक टी शर्ट डिजाइन कर रहे हैं। एंड नामी इस समय जो करंटली शॉप चला रही है उसका नाम है हाउटेक कोटर, आई डोंट नो ऐसे ही शायद इसको प्रोनाउंस करेंगे। मैंने इसको बहुत देखा और मैं सोच रहा था मुझे कोई छोटी सी डिटेल मिल जाए, बहुत रिसर्च भी किया बट इट वॉज नथिंग। काफी एक नॉर्मल सा कवर पेज इस बार मुझे देखने को मिला। कवर पेज से ज्यादा इंटरेस्टिंग इस चैप्टर का नाम है, दैट इज टेनोजेन द टर्निंग पॉइंट। सो टेनोजेन एक माउंटेन है जो कि जापान के क्योटो स्टेट में है, और थ्रू आउट द हिस्ट्री इस माउंटेन पे काफी ज्यादा लड़ाइयां हुई हैं, एंड एक बैटल ऑफ यामाज़ाकी नाम का भी एक फेमस वॉर हुआ है वहां पे। तो आई गेस जो कुछ चैप्टर में हुआ उसको देख के इसका नाम रखा गया, क्योंकि यहां पर भी काइडो वर्सेस मोमोनोसुके एंड लूफी हुआ है। सो टॉकिंग अबाउट द चैप्टर, भाई देखो वन पीस लिटरली बहुत ज्यादा आगे आ चुका है। इस बार हमने सच में एक आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट को एक रियल डेविल फ्रूट के लेवल पर देखा है। मतलब आप समझ रहे हो कि वेगा पंक ने फाइनली एक ऐसा फ्रूट बना लिया था जो कि सीरीज के रियल फ्रूट जैसा परफॉर्म कर सकता है। मतलब डोफ्लामिंगो ने उतनी बड़ी फैक्ट्री वगैरह सब कुछ सेटअप किया, पर वो फिर भी ऐसे स्माइल डेविल फ्रूट्स बनाता था जो कि हर किसी को ऐसे डेविल फ्रूट यूजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, प्लस वो बहुत ज्यादा एक वियर्ड हाइब्रिड क्रिएचर में टर्न आउट होते हैं जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर वेगा पंक जो कि इसको एक फेल्ड फ्रूट बोल रहा था, वो एक्चुअली में काइडो का एक रेप्लिका डेविल फ्रूट बना पाया, एंड थैंक्स टू दिस ये वाला मांगा सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बिकॉज इसमें मोमोनोसुके ने रियली ड्रैगन वाली एबिलिटीज को यूज करके दिखाया है। मतलब उस लेवल पे तो नहीं दिखाया जिस तरह से काइडो यूज करता है, बट हाँ हमें थोड़ा सा ग्लिम्स मिल गया कि फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आपको पता होगा कि वन पीस के सबसे बेस्ट टाइम कौन से होते हैं, यानी कि द बेस्ट सीन जिससे हमें मजा आ जाता है। आपको लग रहा होगा लूफी का नया फॉर्म रिवील होना या फिर कोई पास्ट का सीक्रेट रिवील होना, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर मेरे लिए जो बेस्ट पार्ट होता है वो होता था क्लैश ऑफ सुप्रीम हाकी एंड योंकोस, क्योंकि जब भी योंको एंड हाकी क्लैश होता है कुछ ना कुछ ऐसे अजीब से एनवायरमेंट में चेंजेस होते हैं जो कि देख के मजा आ जाता है, एंड दिस चैप्टर में वही हुआ। फाइनली इस चैप्टर ने अनाउंस कर दिया कि एक फिफ्थ एम्परर भी एग्जिस्ट करता है वन पीस की दुनिया में। जहां पास्ट में ऐसे ही बस न्यूज वाले बता रहे थे कि लूफी को फिफ्थ योंको बोला जा रहा है जस्ट बिकॉज उसने काटागोरी को डिफीट कर दिया था, बट इस बार सच में लूफी ने प्रूव किया कि इज केपेबल ऑफ बिकमिंग ए फिफ्थ योंको, क्योंकि लिटरली काइडो से मार खा के अधमरा होना, फिर हील अप होके उसके जैसा ये ड्रैगन लेके उसके सामने आना और फिर उससे क्लैश करना एंड लिविंग द डे टू टेल अबाउट इट, इट इज रियली ए बिग थिंग। एंड ये कोई नॉर्मल क्लैश नहीं था, क्योंकि नॉर्मल क्लैश ऑफ सुप्रीम किंग हाकी में सिर्फ आसपास का एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय होता है, पर जब दो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाउसों को यूजर्स में क्लैश होता है तब आसमान भी फट जाते हैं, और इस बार लूफी ने काइडो के साथ मिलकर वही किया है। ऑल्दो ये चीज मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, पर लूफी ने काइडो के साथ फाइट करते करते अपने हाउशुकू एबिलिटीज को काफी ज्यादा डेवलप किया है। और अगर आपको याद हो तो रेलिक ने भी यही कहा था कि आपकी हाकी एबिलिटीज उतनी ज्यादा डेवलप होती है जितना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग यूजर से फाइट करते हो, बट स्टिल एक योंको के लेवल पे फाइट करना बहुत बड़ी बात है, किया कैसे उसने। वेल, इसके अलावा दो और ऐसे इवेंट्स थे जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आए इस पूरे मांगा में, जिसमें से एक था जहां पे मोमोनोसुके ने काइडो को काट लिया था। नाउ ये चीज मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था, लाइक दांत काटना, खैर बच्चा ही है वो। और ये पैनल देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि काइडो को देख के लग रहा है कि उसकी घांट फट गई है, लाइक लिटरली व्हेन यू ग्रैब समवन बाय देयर बॉल्स। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो अपने मुंह से ही काइडो की तरह से लेजर्स वगैरह फायर करेगा, पर कुछ अनएक्सपेक्टेड ही देखने को मिल गया। इसके अलावा जो सेकंड चीज थी जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई इस मांगा में, वो था द रिटर्न ऑफ एलिफेंट गन, जो कि लूफी ने काइडो के सर पे मारा है। नाउ दिस टेक्स मी बैक टू एपिसोड नंबर 915, जब पेसिंग बहुत सही थी और काफी अच्छा एनिमेशन था इस एनिमे का, क्योंकि वहां पे भी लूफी ने सेम एलिफेंट गन वाले मूव का एक बहुत ही एपिक यूज करके दिखाया था।
और वो सीन सच में मेरी वन ऑफ द फेवरेट पंचेस है इन वन पीस। करंटली तो वन पीस की पेसिंग बहुत ज्यादा खराब हो गई है, बट आई रियली होप कि इस चैप्टर का जब एनिमे वर्जन आएगा तो उसकी एनिमेशन एंड पेसिंग ठीक ठाक हो। सो गाइस, अब एक ब्रीफ ओवरव्यू के बाद हम ब्रेक डाउन करते हैं मांगा को सीन बाय सीन में। तो अगर आपने अभी तक ये मांगा नहीं पढ़ी है तो उसको जल्दी से पढ़ लो या फिर साइड में कहीं ओपन कर लो ताकि आपको वीडियो ठीक से समझ में आ जाए। नाउ सीन नंबर वन, फ्लावर कैपिटल। तो यहाँ पर मेनलैंड वालो में फ्लावर फेस्टिवल की सेलिब्रेशन चल रही है और लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर ओतो को और ओडन का स्वॉर्ड्स कीपर भी है और यहाँ पर हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है कि कैसे टामा ओनिगाशिमा पे पहुंची और वो स्वॉर्ड्स कीपर बस विश कर रहा है कि ओटामा को कुछ भी ना हो। लेकिन तभी वहाँ पे बिजली कड़कती है और हम मेनलैंड वानो से बादलों के बीच में थोड़ा थोड़ा ओनिगाशिमा को देख पा रहे हैं। इसके बाद सीन तुरंत शिफ्ट होता है ओनिगाशिमा के रूफटॉप पे, जहाँ पे एक मेरी ये बता रहा है कि जो दूसरा ड्रैगन अपीयर हुआ है उसके पास उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है। वो ये भी बताता कि यामाटो अकेले रूफटॉप पर घायल पड़ी हुई है और एक बहुत ही अनबिलीवेबल सा सीन उसके सामने चल रहा है, एंड दैट इज दो बड़े से ड्रैगन एक दूसरे को आमने सामने फेस कर रहे हैं, काइडो द अज़ूर शिरियू वर्सेस द पिंक ड्रैगन जिस पे लूफी बैठा हुआ है। इसके बाद हमें यामाटो का भी एक फ्लैशबैक दिखता है जहाँ पे मोमोनोसुके ने उससे बोला था अराउंड 10 या 15 चैप्टर्स पहले कि अगर वो भी काइडो जैसे एक बड़े से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता तो वो लूफी की हेल्प कर पाता। अगेन द फोरशैडोइंग पार्ट जो कि ओडा सेंसेई हमेशा करते रहते हैं, यानी कि हमें 10-15 चैप्टर्स पहले ही पता चल गया था कि ऐसा कोई ड्रैगन अपीयर होने वाला है। एंड मैंने अपने उस वाले चैप्टर रिव्यू में ये बात की भी थी कि कैसे मोमोनोसुके फ्यूचर में चल के काइडो जैसा एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि मेरी वो फैन थ्योरी सही हो गई, ऑल्दो बहुत ही कॉमन सी फैन थ्योरी थी। इसके बाद काइडो यहाँ पर अपना ब्लास्ट ब्रेथ यूज करने जाता है, लेकिन लूफी मोमोनोसुके से बोलता है कि अपने मूव से काइडो को काउंटर करो, एंड ऑब्वियसली मोमोनोसुके अभी अभी इस ड्रैगन में बना है तो वो उसके सारे मूव्स को यूज नहीं कर पाएगा, तो मोमोनोसुके भी कहता है ये मैं नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट पैनल में काइडो अपना ब्लास्ट ब्रेथ फायर करता है लेकिन मोमोनोसुके उस अटैक को डॉज कर लेता है। डॉज करने के बाद मोमोनोसुके भी लूफी को बोलता है कि मैं इस समय उस कंडीशन में नहीं हूं कि मैं काइडो से फाइट कर पाऊं। जिसके बाद लूफी उसके कान में उसको कुछ बोलता है और उसके ऊपर से जंप करके अपना गियर थर्ड एक्टिवेट करके गमू गमू नो एलिफेंटो गन और काइडो को मारता है और काइडो जमीन में धस जाता है। और जैसे ही काइडो जमीन पे गिरता है हमें दिखाया जाता है कि मोमोनोसुके से लूफी ने एक्चुअली में क्या बोला था। तो लूफी का ये प्लान था कि वो काइडो पे अटैक करेगा और जैसे ही काइडो डिफेंसलेस होगा मोमोनोसुके को उसको काटना है, जिसपे मोमोनोसुके सोचता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन फिर उसको याद आता है कि कैसे काइडो ने उसकी पूरी फैमिली को मतलब मार डाला था, जिसके बाद मोमोनोसुके को बहुत जोर से गुस्सा आता है और वो उड़ते हुए जाके काइडो को सीधे काट लेता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये कोई नॉर्मल सा अटैक नहीं था मोमोनोसुके की तरफ से, ये कोई ऐसा अटैक नहीं था जिससे काइडो अपनी ड्यूरेबिलिटी का यूज करके बच जाता, कि दिस इज लिटरली काइडो अपने दांतों को अपने ऊपर ही मार रहा है। सो दिस इज लाइक आप किसी दूसरे से बच सकते हो पर खुद से कैसे बचोगे। मोमो को पास्ट के बारे में और ज्यादा याद आता है और वो काइडो को और जोर से काटता है, लेकिन काइडो खुद को कंट्रोल करते हुए गुस्से में मोमोनोसुके से पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो बे। इस पे मोमोनोसुके उसको बोलता है कि तुम्हारी वजह से वानो की ये हालत है, अगर तुम नहीं होते तो आज मेरे माँ बाप जिंदा होते। तभी लूफी इधर से चिल्लाता है यामाटो, और दोनों यामाटो और लूफी मिलके काइडो के ऊपर अटैक करते हैं। और मुझे मांगा में देख के ये लग रहा है कि लूफी इज मेकिंग द मूव ऑफ रेड हॉक, जिसकी वजह से काइडो दूर जाके गिरता है और एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट रूफटॉप पर होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रूफटॉप के जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे, जहाँ पे हमें जैक वर्सेस इनुआराशी और पेड्रो वर्सेस नेकोमामुशी वाली फाइट दिखाई जाती है। सो बेसिकली क्योंकि काइडो और मोमोनोसुके एक साथ मिलकर ऊपर फाइट कर रहे थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा वेदर चेंजेस हुए और जो फुल मून था वो खत्म हो गया था, जिसकी वजह से इन टर्न इन दोनों का सुलोंग फॉर्म भी डीएक्टिवेट हो गया था। पर सच में मिंग ट्राइब अपने सुलोंग फॉर्म में काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि यहाँ पे लिटरली जैक द थर्ड डिवीजन कमांडर ऑफ काइडो उसने ये तक बोल दिया कि अगर उसने इनुआराशी से एक और हिट लिया होता तो वो यहाँ पे खड़ा नहीं होता। नाउ इधर मोमो का रंडी रोना चल ही रहा है कि कैसे वो काइडो से फाइट नहीं कर सकता, लेकिन लूफी ने उसको क्या डेंजर मोटिवेशन दिया है। लूफी चिल्लाकर बोलता है मोमो तुमने जस्ट अभी अभी एक योंको को काटा है, ऐसा करने के बाद ये बताओ कि क्या तुमको दुनिया में किसी चीज से खतरा हो सकता है। इस पे मोमोनोसुके बोलता है नहीं, एंड एक्चुअली में लूफी और मोमो के बीच की सारी बातें जो मेरी है उसके थ्रू पूरे ओनिगाशिमा पे ब्रॉडकास्ट हो रही है। एंड इसके बाद लूफी बोलता है कि जाओ और ओनिगाशिमा को जहां है वहीं पर उसको रोक दो, मैं पक्का काइडो को डिफीट करूंगा। और ये सारे बातें भी जोरो सांजी एंड पूरे के पूरे ओनिगाशिमा के क्रू मेंबर्स ने भी सुनी है। यहाँ पे बिग मॉम ये बात सुनकर बोलती है कि क्या चूतिया लौंडा है, और किड बोलता है कि आप बोले हो तो करके दिखाना भोसड़ी के, और लॉ सोच रहा है कि लूफी अभी तक कहां गांड मरा रहा था। और नीचे से सभी चिल्ला रहे हैं लूफी तारोसान डिफीट काइडो। एंड इसके बाद जो कुछ भी हुआ ना उसने लिटरली वन पीस को ब्रेक कर दिया, क्योंकि काइडो अपने हाइब्रिड फॉर्म में आके लूफी के ऊपर अटैक करने जाता है और वो बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे डिफीट कर सकते हो। जिस पे लूफी बोलता है कि जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं कुछ भी कर सकता हूं। एंड इसके बाद एक छोटे से पैनल में हमें दिखाया जाता है कि लूफी और काइडो के बीच में वही नॉन फिजिकल क्लैश होता है, कि वैसे ओनिगाशिमा के जस्ट ऊपर का आसमान फट जाता है। और बस यही तो चाहिए था, क्योंकि ऐसा होते ही फाइनली ओडा ने हमें वन पीस का फिफ्थ
योंग को दे दिया। एंड ऑल्सो ओनिगाशिमा के ऊपर का वेदर भी क्लियर हो गया, जिसकी वजह से मून पूरा विजिबल हो गया। नाउ नेकोमामुशी और यूआरशी को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, वो दोनों वापस से सुलोंग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। एंड वो दोनों ही ओडेन वन सॉर्ड स्टाइल ग्राइंडिंग कैट क्लॉ और डिकैपिटेटिंग डॉग फ्लैश मूव यूज करके पेद्रो और जैक को फाइनली नॉकआउट कर देते हैं। पूरे ओनिगाशिमा पे ये न्यूज फैल जाती है कि बी मॉम का सबसे बड़ा लौंडा डिफीट हो चुका है और जैक द ड्रॉड ऑल स्टार ऑफ द बीस्ट पायरेट भी डिफीट हो चुका है। मुझे सच में नहीं पता कि मिंग ट्राइब इतनी स्ट्रांग होती है। एंड एकदम लास्ट वाले पैनल पे हमें दिखता है कि कोई एक दरवाजे के बीच से झांक रहा है और वो देख रहा है कि इवन जैक भी डिफीट हो गया। लेकिन काइडो के सोल्जर्स के साथ जो कुछ भी होता है अब ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 1026 खत्म। नाउ गाइस, मांगा खत्म, मेरी वीडियो नहीं। तो ये जो लास्ट पैनल में हमें एक आदमी दिखा जो कि दरवाजे के पीछे से झांक रहा था, ये पता नहीं क्यों मुझे देख के ओरोची लग रहा है। मतलब अगर अभी भी ये नहीं मरा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राफ्टल पे कहीं बैठ के झांक रहा होगा जब लूफी वन पीस खोजेगा। वेल, आई होप ये ओरोची ना हो और कोई एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा हो, क्योंकि ऑब्वियसली वन पीस इज ऑल अबाउट कैरेक्टर्स। एंड अगर हम बात करें लूफी वर्सेस काइडो की, जहां पे हमें लिटरली लूफी का लेवल अप देखने को मिला है, तो सच में आई थिंक कि लूफी अब इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो अपना स्ट्रॉ हैट जाके शैंक्स को रिटर्न कर पाए। आई एम रियली होपिंग कि वानो के बाद हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिले। एंड एक्चुअली में ये फोर एम्परर सागा चल भी रहा है, तो बिग मॉम, फिर उसके बाद काइडो, तो प्रोबेबली इसके बाद या तो शैंक्स होगा या ब्लैक बियर्ड। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड ऑफ दी वानो, क्योंकि इसके बाद लिटरली जो अगला प्रॉब्लम होगा लूफी के लिए वो ब्लैक बियर्ड ही होने वाला है। एंड अकॉर्डिंग टू सम स्पेकुलेशन शैंक्स ही होगा जो ब्लैक बियर्ड को रोकेगा, जिसके बाद लूफी वन पीस को खोज पाएगा। पर ये सब एक फैन थ्योरी है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू 100%। मुझे सच में अब देखना है कि पोस्ट वानो क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं। एंड स्पेशली नाउ आई वांट टू विजिट एल्बाफ। सो गाइस, ये तो मेरा रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1026 टेनोंस ऑन द टर्निंग पॉइंट। आई होप आप सभी को मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर देना। कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है वो जो लास्ट पैनल पे बंदा दिखा वो कौन था। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोग के साथ जो कि वन पीस के फैंस हैं। एंड डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप ऐसे और अमेजिंग वन पीस कंटेंट को एंजॉय कर पाए। सो गाइस, अगर आपको हमारी ये वाली वन पीस की वीडियो पसंद आई तो हमारी और भी कई सारी वन पीस की वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। इसके बेस्ट का लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।